Dear friends, today the Lord has given you a promise from Genesis 12:2. प्यारे दोस्तों, आज का प्रतिज्ञा का वचन है उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2 से। आइए इसे हम पढ़ते हैं। God says to you, I will make you into a great nation and I will bless you. परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। इस तरह परमेश्वर का वचन है। I will make your name great and you will be a blessing. और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। Let me add the next verse also. चलिए अगला वचन भी मैं इसके साथ में यहाँ पर जोड़ देती हूँ। I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse and all peoples on earth will be blessed. Through you. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस तरह से अगला वचन यहाँ पर कहता है। And all peoples on earth will be blessed through you. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, यानी आपके द्वारा आशीष पाएंगे। God's blessings don't just impact us. परमेश्वर की आशीष केवल बस ऐसी हम पर प्रभाव नहीं डालती है। They come upon our children and our grandchildren too. वो हम पर और हमारे बच्चों के बच्चों पर भी, यानी नाती पोती पर भी आती है। According to Deuteronomy 7:9, the Lord keeps his covenant, his loving kindness to thousand generation. व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 9 के अनुसार परमेश्वर उनके साथ हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। By blessing us, God is showing his love for generations to come. हमें आशीष देने के द्वारा परमेश्वर आने वाली कई पीढ़ियों पर अपने प्रेम को दर्शाते हैं। The Lord not only blessed Abraham, but then he made this Abrahamic covenant to his son Isaac. परमेश्वर ने केवल अब्राहम को ही आशीष नहीं दी, लेकिन उसने ये जो अब्राहम की वाचा थी उसके द्वारा उसने इसहाक को भी आशीष दी, उसके बेटे को आशीष दी। Again the Lord renewed his covenant to his son's son Jacob. और फिर परमेश्वर ने अपनी इस वाचा को फिर से नया बनाया अब्राहम के बेटे यानी याकूब के साथ में भी। Then he made the Davidic covenant to David the king. और फिर उसके बाद में उसने राजा दाऊद के साथ में दाऊद की वाचा बांधी। Then again this promise finds its fulfillment in the new covenant which was ratified by Jesus who was called the son of Abraham. और फिर उसके बाद में उसने इस वाचा को नई वाचा में भी पूरा किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु को अब्राहम की संतान कहा गया। The Redeemer or Lord Jesus Christ finally He restored everything through this Abrahamic covenant. हमारे छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम की इस वाचा के द्वारा सभी लोगों को उसने छुड़ाया है। Through the blood of Jesus Christ, we are cleansed from all our sins. यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर दिया गया है। Today we are sin-free people. आज हम पूरी तरह से पाप से शुद्ध किए गए लोग हैं। Blessed people. हम तो आशीषित लोग हैं। The Lord will renew his covenant upon you and your family too. परमेश्वर आप पर और आपके परिवार पर भी अपने इस वाचा को पूरी तरह से नई बनाएंगे। As in Isaiah 59:21. यशया अध्याय 59 वचन 21 यही तो कहता है। The Lord says, As for me, this is my covenant with you. यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनके साथ बांधी है वो ये है, यानी आपके साथ बांधी है। My spirit who is in you and my words that I have put in your mouth will not depart from you. कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं वे तुझसे कभी न हटेंगे। इस तरह वचन कहता है। It will not depart from your children's mouth too. और ये आपके पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी न हटेंगे। It will not depart from your offspring's mouth too. और ये तो आपके वंशज के मुंह से भी कभी नहीं हटेंगे। It will not depart from your Children's offspring too. और ये आपके बच्चों के वंश से भी कभी नहीं हटेंगे। The Lord keeps his covenant continuously. परमेश्वर अपनी वाचा को निरंतर बनाए रखते हैं। When the Lord says, I will bless you, you will be blessed.
और जब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो आप निश्चय ही आशीषित हो जाएंगे। All peoples on the earth will be blessed through you. आपके द्वारा पृथ्वी के सारे लोग जो हैं वो तो आशीष प्राप्त करेंगे। No man can change this blessing that has come upon you. आपके ऊपर जो आशीष आई है उसे कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता, उसे दूर नहीं कर सकता है। Whoever curses you will be cursed. जो भी आपको श्राप दे वो खुद श्रापित होगा। Whoever blesses you will be blessed. और जो भी आपको आशीष दे वो आशीषित होगा। You have so much blessing in you. आपके अंदर बहुत सी आशीष है। The Lord will make you into a great nation. परमेश्वर आपको एक महान जाति बनाएंगे। The Lord will make your name great. परमेश्वर आपके नाम को महान बनाएंगे। When I was celebrating one of my birthday, the Lord gave me the same verse that is in Hebrews 6:14. जब एक दिन मैं अपना जन्मदिन मना रही थी तो परमेश्वर ने मुझे यही वचन दिया जो इब्रानियों अध्याय 6:14 में है। The Lord said to me, with blessings I will bless you, Evangeline. प्रभु ने मुझसे कहा, एवेंजेलिन, आशीष देते हुए मैं तुझे आशीष दूंगा। With multiplying I will multiply you. और तू बहुगुणित होते हुए बहुगुणित होती चली जाएगी। Today as I turn back in my life, how much the Lord has blessed me today. आज जब मैं अपने जीवन में मुड़कर देखती हूँ तो परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी हुई है। I'm so grateful to God. मैं परमेश्वर की बहुत बहुत आभारी हूँ। You will also praise Him for all the blessings that the Lord will be showering upon you. परमेश्वर आपके ऊपर जो आशीषों की वर्षा करेंगे उन सारी आशीषों के लिए आप परमेश्वर की स्तुति करते जाएंगे। Our loving heavenly Father, Lord, as you have promised to bless your children, let your blessings be poured upon them, Lord. हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जैसे आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी आशीष उन पर उंडेलूंगा, आपकी आशीष आप इनके ऊपर उंडेलिए। Make them great. आप इन्हें बड़ा महान कीजिए। Let the people of the nations be blessed through your children. प्रभु, आपकी संतानों के द्वारा देश देश के लोग आशीष प्राप्त करें। Lord, Father, remove all the things that are hurting them, that are, Lord, displeasing them, Lord. प्रभु, जो भी बातें इन्हें चोट पहुंचा रही हैं, जो बातें इन्हें अप्रसन्न कर रही हैं, उन सारी बातों को आप दूर कीजिए। Turn every curse into a blessing, O Lord. हे प्रभु, हर एक श्राप को आप आशीष में बदल दीजिए। Lord, I rebuke all the witchcraft powers and the evil powers, and I throw them into hellfire. प्रभु, जादू टोने की ताकतें और जो बुरी शक्तियां उन्हें निकाल दे, नरक की आग में उन्हें डाल दे। Everything that is coming against them, I rebuke it in Jesus name. जो कुछ भी इनके विरुद्ध में आता है, मैं यीशु मसीह के नाम में उन सारी बातों को डांटती हूँ। Lord, let your children be blessed, O God. हे प्रभु, आपकी संतान बहुतायत से आशीष पाए। Lord, according to your promise, let this covenant be made continuously to their generations, Lord. प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार ये जो आशीषें हैं, ये इनकी पीढ़ी से पीढ़ी में निरंतर बनी रहे। Lord, Father, let not your children lack any good thing in their life. हे पिता, आपकी संतान अपने जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी में न रहे। Lord, when you start to bless your people, you will never stop doing good to them, Lord. प्रभु, जब आप अपनी संतानों को आशीष देते हैं तो आप कभी भी इनके लिए भलाई करना नहीं छोड़ते हैं। Let your blessings follow them. ए प्रभु, आपकी आशीषें इनके पीछे पीछे चलती जाएं। Let your goodness follow them. आपकी भलाई प्रभु इनके पीछे पीछे चलती जाएं। Let grace upon grace come upon them. और अनुग्रह पर अनुग्रह इनके ऊपर में आता जाए। Let them be lifted up to greater heights, Lord. और ये लोग महान ऊंचाइयों पर ऊंचे उठाए जाएं। Let no man, no evil powers touch them even. और कोई भी मनुष्य और कोई भी दुष्ट की ताकतें इन्हें कभी छूने न पाए। They cannot even reach them, Lord. और ये इन तक पहुंचने भी न पाए। Let such be the blessings upon your children. प्रभु, आपकी संतानों के ऊपर में ऐसी ही आशीष आ जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। For lifting your people to the next level. आप अपने लोगों को अगले स्तर पर ऊंचा उठा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। Let their fields be blessed. इनके खेत आशीषित हो। Let their land be blessed. इनकी जमीन आशीषित हो। Let their home be blessed. इनका घर आशीषित हो। Let their workplaces be blessed for their sakes.
प्रभु इनके कारण इनका दफ्तर भी आशीषित हो। लेट इट फ्लो, ये बहते चले जाए। लेट योर ब्लेसिंग्स फ्लो, आपकी आशीषे बहती जाए। इन जीसस नेम, यीशु के नाम में, आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। विद ब्लेसिंग्स मे द लॉर्ड ब्लेस यू। आशीषों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।